सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने सभी बीडीओ के साथ विकास भवन के सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जनपद के सभी एडीओ बीडीओ के साथ विकास कार्यों की चर्चा की गई है। शासन की जो कल्याणकारी योजना है जिनसे नागरिकों को लाभ मिलता है उसका रिव्यू किया गया है, जिससे कि कोई भी ब्लॉक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में पीछे ना रहे। इसके अलावा सांसद विधायक निधि के कार्यों पर चर्चा की गई है। सभी कार्यों को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे कि कार्यों में किसी तरह की लापरवाही ना हो। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आजीविका मिशन, मनरेगा, अमृत सरोवर, अमृत वन के कार्यों के प्रगति की जानकारी ली गई है, क्योंकि जुलाई में एक वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा जिसमें 22 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, सुनील जी यहाँ पे हमने मीटिंग रेडी कर लिया, पी डी साहब भी लेंगे, पी डी साहब लेंगे, ठीक है, पी डी साहब भी ले चलो, फिर शुरू करेंगे, मैं पहले दे दूँगा, बात करेंगे, ठीक है, जब तक पूरा काम करेंगे। जैसा कि पहले से बताया कि आज माहौल थोड़ा गर्म था, लेकिन उसको हम लोग सही करके बाकी बढ़ रहे हैं। तो ये साप्ताहिक बैठक है विकास भवन की, और इसमें सारे हमारे जो ब्लॉक के एडीओ पंचायत हैं, एडीओ आईएसबी हैं और बीडीओज हैं, खंड विकास अधिकारी, सबका रिव्यू किया जाता है ब्लॉक वाइज। सरकार की जो मुख्य स्कीमें हैं जिससे हमारे नागरिकों को लाभ मिलता है, उन स्कीमों में कहीं भी कोई टारगेट में कोई पीछे ना रहे, इसके लिए इसका वीकली रिव्यू किया जाता है। इसके साथ साथ जो हमारी विधायक निधि है, सांसद निधि है, आरईएस के एग्जाम साहब, उनके जेई का रिव्यू किया गया है, और परफॉर्मेंस ग्रांट के जो 32 गांव हैं उनका डिटेल्ड रिव्यू किया गया है। और आज शाम तक हमारे 32 के 32 गांव में किसी न किसी काम में L1 जारी हो जाएगा। 29 का पहले चल रहा था, 3 का और जारी हो जाएगा। इसमें जो है हमारा मुख्यतः जो स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आजीविका मिशन, मनरेगा, अमृत सरोवर, अमृत वन, और जो अभी 15 अगस्त से पहले या जुलाई में हमारे वृक्षारोपण होना है, जो हमारा ग्राम विकास और पंचायती राज का 22 लाख का टारगेट है, उसमें गड्ढा खुदाई चल रही है, इस पर डिटेल्ड में चर्चा हुई है, और जहाँ जहाँ हमें लैक लगा है उस पर सख्त वार्निंग देते हुए अपने टारगेट पूर्ण कराने का निर्देश दिया है।